हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे घर पे ही इंटरलॉक करना। बिना किसी मशीन के हाथ से ही हम इसको इंटरलॉक कर सकते हैं। ब्लाउज़ हो चाहे ड्रेस हो, जिनमें भी धागे निकलते हैं, इस तरीके से आप घर पे ही कर सकते हैं। सो देखिए कितना ईजी है इसे करना। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर अनमैचिंग धागा ले लिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो आप ट्राई करिएगा कि मैचिंग धागे से ही करें। सो देखिए, यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे चार धागा ले लिया है, मतलब डबल मैंने डाल दिया है, तो ये चार बार हो गया है इसमें। और उसके बाद देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसको हमें क्रॉस में लेते जाना है, नीचे से हमने नॉट लगा ली है। उसके बाद हमें इसे देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से क्रॉस में हमें सिल लेना है पहले। तो ब्लाउज़ ड्रेस वगैरह हम जब सिलते हैं, उनमें धागे निकलते रहते हैं साइड से। स्पेशली ब्लाउज़ में ज़्यादा दिक्कत होती है, जो सिल के कपड़े होते हैं या फिर काफ़ी सारे जो ब्लाउजेस के कपड़े होते हैं, उनमें से धागे निकलते रहते हैं। सो ऐसा अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी आपके धागे नहीं निकलेंगे, और आप घर पर ही कर पाएंगे इसे ईजीली। आपको कहीं बाहर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लाउज़ कई बार हम घर पर सिल लेते हैं, बट इंटरलॉक का हमें बड़ा दिक्कत होता है, धागे निकलने लग जाते हैं साइड से। सो देखिए, पहले मैंने क्रॉस में सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब हमने फिर से वहाँ से नॉट लगा ली है, और अब हम इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहले मैंने उस साइड से क्रॉस क्रॉस सिला था, और अब मैं इस तरीके से सिल रही हूँ। देखिए, आप वीडियो में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। सो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिला है, और एक बार अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए, जो गैप है वहाँ पर हमें इस तरीके से ट्राइंगल जैसा बनाते जाना है, और नीचे की तरफ हम नॉट बांधते जाएंगे, ताकि यहाँ पे सिक्योर हो जाए। ये देखिए, तो इसे करना बहुत ही इजी है। देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे घर पे ही कर पाएंगे, आपको कहीं बाहर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे, और आपके ब्लाउज़ में धागा बिल्कुल नहीं निकलेगा इस तरीके से करने से। तो देखिए, इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आप ट्राई करें कि मैचिंग धागे से ही करें, यहाँ मैं वाइट से करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये कैसे हो रहा है। सो वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा भी यूज़फुल लगे आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने कर लिया है, और ये बिल्कुल भी अब इसमें से धागे नहीं निकलेंगे, एकदम सिक्योर हो गया ये। और ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करने से। देखिए, आई होप आपको आज का फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।